नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ आपकी आगामी परीक्षाओं की, उसमें जैसे कि सबसे पहली परीक्षा आपको दिख रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022। इसमें क्या है आपको पता है, 26,382 पद, इसकी विज्ञप्ति जनवरी के ही लगभग उसमें स्टार्टिंग में टेंडर आ गया था। ये ऐसा था कि फरवरी तक ये टेंडर भर जाएंगे और मार्च या अप्रैल तक आपका फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो भी कारण हो, उन कारणों पे हमको नहीं जाना है। अब जो सबसे बड़ी बात इसमें पता चल रही दोस्तों, वो ये है कि 35,000 से ज़्यादा पद इस समय आपके इसमें कॉन्स्टेबल में जारी होने वाले हैं। अब जो एक और चीज़ सुनने में आ रही वो ये भी है कि लगभग जो ये पद होंगे इनकी संख्या बढ़कर हो सकता है 40,000 के लगभग आ जाए। तो आपको पता है इस समय जब सरकारी नौकरी जहां 100-200 पद भी नहीं निकलते हैं, वहां पर अगर 40,000 अगर पद निकलने वाले हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और आपके पास एज है, सब है, तो आप पढ़ाई बिना सोचे समझे अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि कॉम्पिटिशन तो आपको पता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं बोलूँगी कि कम होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, पहले ही बता दूँ, क्योंकि ये सब होगा। ऐसा नहीं कि बाद में आप कहेंगे कि मेरे नंबर में इतना पढ़ के गया लेकिन नहीं हो पाया। आपको जितना मैक्सिमम सोचना है उतना नंबर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, 40,000 लगभग के अगर पद हो रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी, पूरी मैंने लिखा है पूरी जान लगा देनी है इस बार अगर आपको कांस्टेबल बनना है। मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया हुआ है, कांस्टेबल जो सिलेक्टेड है मैम वो अभी आज आ नहीं पाई, मैंने उनको बोला था कि आप बोलेंगी तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अभी आ नहीं पाई हैं। कल या परसों में जिस भी दिन वो आएंगे उनसे बात आपकी करा दूंगी मैं। ठीक है, तुरंत आपको वीडियो बनवाऊंगी। बात पहले कर लेते दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। जैसा कि आपको पता है लास्ट जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई थी 2018 में आई थी, अब जो आ रही है वो 2022 में आ रही है। सीधे सीधे 4 साल का गैप हो गया है। और जो एज का आपका क्राइटेरिया भी है कांस्टेबल में, वो 18 से 22 है जनरल के लिए। अब कई कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो सपना देखे होंगे कांस्टेबल बनने का, रनिंग कर रहे होंगे, उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ उनकी तो एज निकल गई, अब उनको मौका ही नहीं मिलेगा बैठने का। तो उसी के लिए दोस्तों देखिए एक ट्विटर कैंपेन चालू हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी अपना खुद से तो जल्दी कोई ट्विटर कैंपेन मैंने कभी इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन जो भी बड़े चैनल ने या किसी ने भी किसी अच्छे मोटिव के लिए जब भी कोई चीज़ शुरू की, मैंने उसको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया है। चाहे वो UPSI स्कैम हो, UPSI रिजल्ट हो, अभी UPSI का जो करप्शन का आपका धरना वगैरह प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद जब ये रोक के लिए हुआ, तब उन सभी चीज़ों के लिए मैंने हमेशा साथ दिया है। तो ये फिर एक नया दोस्तों आ रहा है और ये भी बहुत जेन्युइन चीज़ है, इसलिए मैं इसको भी सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है अग्निवीर जो आपका आ रहा था स्कीम, उसके तहत भी एज बढ़ाई गई है। तो दोस्तों एज बहुत बड़ी चीज़ है जनरल के लिए, और भी इस समय जब कोरोना की वजह से वैकेंसीज नहीं आई थी, तो हर जो कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहा था 18 के होने के बाद, उन सभी की कई परीक्षाओं में बैठने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। इसकी वजह से एज रिलैक्सेशन इस समय, इस साल जो भी भर्ती आए उसमें तो एटलीस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आगे भले कंटिन्यू होती रहे लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 साल सबके वेस्ट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको लिखना क्या है इसके लिए, #UP_constable_age_relaxation 23 जून को 10 बजे आपको ये ट्वीट करना है। टैग आपको इन लोगों करना है, @MyYogi पे, CMO UP पे, DGP UP पे, और आपको जितने भी लोग समझ में आए, जितने लोगों को आप टैग करते हो अपने UPSI के समय पे उस समय। कारण आप क्या लिखेंगे कि कोरोना के कारण समय बर्बाद, 2 साल की छूट अनिवार्य, 18 से जो 22 साल थी वो 18 से 25 कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, अभी आप वीडियो को एंड मत करें, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बात हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल की। मैंने आपको दिख रहा होगा UP SSSC पेट 2022 भी लिखा है और वीडियो का री एग्ज़ाम 2018 भी लिखा है। क्यों लिखा है, देखिए इसका सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, कई वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में फिर मैं दे दूँगी आपको लिंक क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में, हिस्ट्री के अलग 5 मार्क्स हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, एनवायरनमेंट के अलग हैं, तो उस हिसाब से पूरा डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे बता रही हूँ आपको कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंकों के आते हैं, और इन सब में देखिए नेगेटिव मार्किंग है। कोई परीक्षा यहाँ पे ऐसी नहीं, यहाँ भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ भी 1/4 की, और यहाँ तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ जो मोटा मोटा अगर सिलेबस देखें दोस्तों तो क्या है, हिंदी, मैथ्स, GS, रीजनिंग और DI। ठीक है, ये आपका मेन सिलेबस है। वीडियो री एग्ज़ाम की बात करें 2018, क्योंकि कई कैंडिडेट इसके भी हैं मेरे पास, जो पूरा फोकस उनका वीडियो के री एग्ज़ाम पर ही है,
पूरी तैयारी वो खाली वीडियो के लिए एग्जाम पर ही करें। और अच्छी बात भी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बाकी परीक्षाओं से थोड़ा सा कम होगा। कई कैंडिडेट्स यहाँ के होंगे जो शिक्षक भर्ती में और भी कई जगह इन्वॉल्व हो चुके होंगे, सिलेक्टेड हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ भी कंपटीशन कम नहीं होगा, यहाँ भी कट ऑफ अभी भी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितने लोग अब बचे होंगे ना, वो सब फोकस करके तैयारी कर रहे होंगे वीडियो री एग्जाम पे ही। यहाँ का सिलेबस देखिए, हिंदी रीजनिंग जीएस 50-50-50 अंकों की है और इसके डबल आएंगे, यानी कि 150 प्रश्न 300 अंकों के आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं सिलेबस क्यों बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, वही मैं आपसे जो कह रही थी कांस्टेबल मैम को बुला के क्यों बात करवाना चाह रही थी, वो बताएंगे आपको कि वो तैयारी एसएससी की कर रही थी। लेकिन देखिए क्या होता है, आजकल सिलेबस आप हर परीक्षाओं का उठा के देखेंगे मोर और लेस एक है। तो आपको देखिए दोस्तों, पहले क्या करना है, बेसिक जो चीज़ें आती हैं हर एग्जाम में, हिंदी जीएस और आपका रीजनिंग और मैथ्स, इसको आपको क्या करना है हर परीक्षा के लिए पहले बेस पूरा क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जिस एग्जाम का होने वाला हो, कोई एग्जाम ऐसा नहीं कि एक साथ पड़ जाएगा, ज़रूर आपको 15-20 एक महीने दिन का गैप मिलेगा। तो आपको उस गैप में क्या करना है, उसी चीज़ की उसी हिसाब से तैयारी करनी है सिर्फ उस एक महीने में। बाकी आपको क्या करना है, सबकी तैयारी करनी दोस्तों। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं मान के चलिए कि आपने वीडियो फोकस कर लिया, बहुत अच्छा आपका हो जाए, लेकिन क्या होगा दोस्तों, वीडियो पे आपने फोकस किया कुछ वजह से, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप गए, आपकी आपकी तबीयत खराब हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, आप जाते ही आपको पैनिक हो गया और आप पेपर अच्छा नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट दूसरा एग्जाम जब आपका होगा तो वहाँ पे आपकी वो चीज़ काम आनी चाहिए, आपको वहाँ पे उस चीज़ का पूरा यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं, पहली बात तो आप फॉर्म सारे भरा करिए। बहुत से कैंडिडेट्स फॉर्म भी नहीं भरते हैं, आप लोग ये बिल्कुल मत करिए, फॉर्म सारे भरिए, पढ़ाई सबके अकॉर्डिंग करिए, लेकिन अपना फोकस बना लीजिए, एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि ये एग्जाम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, उसको ज़्यादा उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन मेन पहले आप लोगों को बेसिक्स क्लियर कर लेने होंगे। बहुत से कैंडिडेट मेरे पास जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन अभी भी उनको हिंदी में क्वेश्चन होता है तो करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता संधि में प्रॉपर क्या चीज़ें हैं। एटलीस्ट जो हिंदी हर जगह आ रही है उसमें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपसे एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम लिंक जो है अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर आपको ये तीनों सिलेबस दूंगी, फिर वहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊँगी, वो ये है दोस्तों कि मैं हिंदी और यूपी जीएस अब स्टार्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। चैनल मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ा पा रही हूँ, टेलीग्राम पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, टेलीग्राम लिंक पहले ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद हिंदी और यूपी जीएस जो पढ़ा रही हूँ उसमें इन्वॉल्व हो जाना है। अगर आपको समझ में आए कि हाँ ठीक पढ़ा रही है मैम, समझ में आती है चीज़ें, तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं आती है तो मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई और क्वेरी हो, कोई कुछ भी आपकी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बुक की सिलेबस हो या कोई भी चीज़ आपको मुझसे पूछनी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों वो ये है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि जो भी अपडेट हुआ, जो भी इंटरेक्शन हम लोग करते हैं, कोई चीज़ बताती हूँ, अभी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग यहाँ पर बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि अब मैं इन तीनों चीज़ों पर फोकस करने वाली हूँ, तो मैं इसका एक स्ट्रैटेजी भी लेकर आऊँगी कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जिससे कि एग्ज़ाम में अभी आपके इन तीनों के एग्ज़ाम में आपके 2-3 महीने हैं। ठीक है, पेट का भी सितंबर में है, इसका भी अक्टूबर में ही लगभग हो, इसका भी अभी टाइम है कांस्टेबल में भी, तो आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है कि 2-3 महीने में हमें इन सब एग्ज़ाम्स पे क्लियर कर लेना है, यानी कि सितंबर के आने के पहले जुलाई अगस्त तक आपको कमांड कर लेना है हिंदी जीएस मैथ्स रीजनिंग इन सब पे, कि कोई भी परीक्षा हो तो आपको निकाल लेना उस परीक्षा को है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता दूं, देखिए आपको हो सकता है अजीब लगता हो, लेकिन एक बार जानते होंगे आप, जिसका एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है वही कैंडिडेट फिर एक ही नहीं कई परीक्षाओं में सेलेक्ट होता है। बोलते हैं ना, अगर एक बार एक परीक्षा आपकी निकल जाती है तो अगली कोई परीक्षा जल्दी रुकती नहीं है। अगर किसी आप कैंडिडेट को देखिए, उसका एसएससी एक बार निकल गया होगा, अगली बार फिर उसका एसएससी निकलेगा। जो यूपी पीसीएस का कैंडिडेट होता है, उसका एक बार पीसीएस अगर निकल जाता तो अगली बार फिर वो क्वालिफाई कर लेता। क्यों? बेसिक्स उसके क्लियर हो जाते हैं। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगी चीज़ें ना, आपका एग्जाम किसी भी जगह नहीं रुकेगा। एक एग्जाम क्लियर होगा, साथ ही साथ देखिएगा ढेरों लिस्ट लग जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में यही सब था, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये ट्विटर वाला जो कैंपेन है ये आपको जरूर इसमें भारी संख्या में पार्ट लेना है, जिससे कि जो एज रिलैक्सेशन वाली बात है वो अंडर कंसिडरेशन हो, बात समझ में आए कि कोरोना की वजह से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, 40,000 पदों पर किनको किनको बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए, 18 से 25 के लिए जो बात चल रही है वो जेन्युइन है और वो बात सुनी जानी चाहिए। धन्यवाद।